नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक मिनट जर्नी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने एक छोटा सा डेमो भी देख लिया होगा, आज हम इसी प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है, ये मकान का फ्रंट हमने ऑलरेडी पहले भी अपलोड किया है, लेकिन आज हम इसके इंटीरियर की बात करेंगे। इंटीरियर में कितने बेडरूम वगैरह हैं, सारा कुछ आपको आपसे बात करेंगे दोस्तों। तो इस मकान को टोटल जो कंस्ट्रक्शन हुआ है 36x50 स्क्वायर फीट में, इसमें फ्रंट का जो बरामदा है वो छोड़ करके है, ठीक है। पीछे का जो एरिया है फ्रंट इनका 36 फीट है, गहरान जो है 50 फीट है। 1800 स्क्वायर फीट में मकान बना है, प्लस इनका जो पोर्च है वो अलग से है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसको गज में बात करें तो 200 गज होता है, ठीक है। स्क्वायर फीट में बात करें तो 1800 स्क्वायर फीट आपको होता है, ठीक है। और इस मकान में आपको टोटल 4 बेडरूम मिलते हैं, एक आपको किचन मिलता है, एक टॉयलेट, 2 टॉयलेट बाथरूम, एक कॉमन एंड एक अटैच जो कि गेस्ट रूम से अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है, और किचन मिलता है, पूजा रूम मिलता है। ये प्लान टोटल वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है, इसको हमने नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से बनाया है दोस्तों। तो अगर आपको इस प्लान का PDF चाहिए तो जाइए फटाफट, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बिना किसी तरीके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसको वक्त रूप से हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे प्लान है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लान है आप देख सकते हैं, फ्रंट में आपको इस तरीके से कुछ बरामदा मिलेगा। तो ये बरामदे का लुक और डिजाइन कुछ इस तरीके से है। ये ऊपर यहाँ पे सेंटर में आपको आर्च दिख रहा हो, किनारे पे स्ट्रेट हमने किया है, और ये कॉर्निस का डिजाइन है, ये कोने का डिजाइन, कॉर्निस का डिजाइन है। बाकी ये रेलिंग आप नॉर्मली बनवा सकते हैं, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मिस्त्री को दे दीजिए, इसका रेलिंग बना के आपको दे देंगे, ठीक है। और बाकी ये आर्च शेप पे पैटर्न रहेगा, इस साइड भी हमने आर्च इसी पैटर्न पे आर्च निकाला है, ठीक है। बाकी ये बरामदे का डिजाइन आप देख लीजिए, पहले स्ट्रेट है, फिर हाइट है, फिर इस तरीके से आर्च शेप में पैटर्न रखा है दोस्तों। इस साइड का भी जो रेलिंग वगैरह का डिजाइन है ऊपर का, हमने इसी पैटर्न रखा है। और ये रहा आपका विंडो का डिजाइन, विंडो का भी डिजाइन आप देख लीजिए। फ्रंट बरामदे में 4 पिलर आपको दिख रहे होंगे, इसी से लुक आपका बेहतर आ रहा है, ठीक है। बाकी इस साइड से भी आपका लुक कुछ इस पैटर्न पे एंड इस लुक पे आपका डिजाइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका ये विंडो का डिजाइन इस तरीके से आपका रहेगा, ये विंडो का डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा आपका मेन डोर का डिजाइन आप देख सकते हैं, मेन डोर का डिजाइन कुछ इस पैटर्न पे है। और ये रहा आपका बरामदे का डिजाइन, ठीक है। तो ये आपका बरामदा हो जाएगा, एंड ये इस साइड में आपका टोटल इस तरीके से आपका लुक कुछ इस पैटर्न पे आके आने वाला है। बाकी ये 3 साइड से क्लोज्ड है, 3 साइड से ओपन है, क्योंकि ये गांव के लिए टोटल प्लान बना है, ठीक है। तो ये 3 साइड से ओपन है आपका, आप इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी साइड की जो विंडो है हमने नॉर्मल विंडो डिजाइन किया है, अगर आप चाहें तो इसको भी स्पेशल तरीके से डिजाइन कर सकते हैं जैसे फ्रंट में है। यहाँ पे एक ऑप्शनल डोर दिया गया है ईस्ट की तरफ, ये आपका ईस्ट साइड हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शनल डोर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्लान का टोटल डिटेल है, ठीक है। अब इसका इंटीरियर का आपको हम बताते हैं। यहाँ मकान के हाइट को हमने 1.5 फीट ऊपर रखा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये आपका मेन डोर हो जाएगा, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, और जैसे आप एंट्री करते हैं ये आपका लिविंग एरिया हो जाएगा। इस लिविंग एरिया में आपको एक TV वगैरह सामने मिल जाएगा, यहाँ पर आप सोफा वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपका लिविंग एरिया को हमने इस तरीके से पार्शली सेपरेट किया, ऊपर आपका फैन और स्पॉट लाइट वगैरह इस तरीके से आपका लग जाएगा। ये आपका TV यूनिट इस तरीके से, TV कैबिनेट सामने इस तरीके से आपका लग जाएगा। और ये रहा आपका गेस्ट रूम, इसको गेस्ट रूम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बेडरूम से हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है, ठीक है। ये दोनों साइड इसमें विंडो मिलेगी, ठीक है। और ये आपका सामने आपका TV कैबिनेट, इधर AC वगैरह आपका इस तरीके से लग जाएगा। इस कॉर्नर का बेड है, तो इसमें आपको 2 विंडो मिल जाएगी। और यहाँ पर ही हमने अटैच करके टॉयलेट बाथरूम दिया है, आपका टॉयलेट का सारा कुछ सेटअप यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका टॉयलेट एंड बाथरूम दोनों कंबाइंड करके इसमें डिजाइन किया गया है, और टॉयलेट यूनिट इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। और ये इस साइड में आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे बेडरूम में, ये रहा आपका दूसरा बेडरूम, ठीक है। ये आपका दूसरा बेडरूम, ये भी कॉर्नर का बेडरूम है, इसमें भी आपको 2 विंडो मिलेगी, एक फ्रंट में एक उस साइड में आपको विंडो मिलेगी। ऊपर आपका फैन का डिजाइन इस तरीके से मिल जाएगा, फैन वगैरह आपका इस तरीके से रहेगा, और TV कैबिनेट आपका इस तरीके से सामने ही लग जाएगा। इस पैटर्न पे और इस लुक पे आपका ये TV कैबिनेट वगैरह भी लग जाएगा। इसका साइजेस देखने के लिए आप PDF डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जाइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। और ये जैसे एंट्री करेंगे आपका डाइनिंग कम हॉल हो जाएगा, ये डाइनिंग हॉल हो जाएगा आपका पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल वगैरह आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। और ये रहा आपका छोटा सा पूजा रूम, इसका साइज वगैरह आप 2D प्लान देख सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। ये पूजा रूम में आपको इस तरीके से डिजाइन है, भगवान गणेश की मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं। और ये आपका टॉयलेट यूनिट हो जाएगा, टॉयलेट बाथरूम दोनों अलग अलग यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ये आपका टॉयलेट यूनिट एकदम किनारे पे, यहाँ पे आपका इस तरीके से टॉयलेट यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और इस टॉयलेट यूनिट के जस्ट बगल आपका ये बाथरूम हो जाएगा,
यहाँ पे आपका बाथरूम के एरिया इस तरीके से यहाँ पे बाथरूम हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बाथ टब वगैरह इस तरीके से, ये सारी चीज़ें आप अपने तरीके से उसको लगवा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपके जो भी डिज़ाइन पसंद आए उस तरीके से आप लगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में आपका 3 बेडरूम किनारे पे है। पहले आप डिस्कस कर लेते हैं किचन के बारे में। ये रहा आपका किचन, किचन का जो एरिया है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं ये किचन का पैटर्न है, लुक इस तरीके से रहेगा, ऊपर आपका फ़ैन वगैरह लग जाएगा, ये किचन का डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपका सीढ़ी इस तरीके सामने हो जाएगा, और ये आपका बेडरूम नंबर 3, यहाँ पे आपका टोटल 3 बेडरूम इस तरीके से तीसरा बेडरूम हो जाएगा। सॉरी, इसमें हमने टोटल 5 बेडरूम बनाए हैं, एक मिस्टेक हो गई, इसमें टोटल आपका 5 बेडरूम, पीछे 3 बेडरूम आगे 2 बेडरूम, 2000 स्क्वायर फीट में आपका टोटल, 1800 स्क्वायर फीट में आपका टोटल इसमें 5 बेडरूम हैं दोस्तों, ठीक है। और ये रहा बीच का बेडरूम, ये बीच वाला एरिया भी आपका तीसरा बेडरूम हो जाएगा, चौथा बेडरूम आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चौथा बेडरूम, टोटल इसमें 5 बेडरूम है, इसमें 4 बेडरूम नहीं है, आप एक थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। और ये आपका लास्ट में एक 5वां बेडरूम, इसके कॉर्नर का बेडरूम है तो इसमें आपको दोनों साइड विंडो मिलेगी इस तरीके से, और ये आपका टीवी कैबिनेट सामने लग जाएगा, यहाँ पे एसी यूनिट वगैरह अपने तरीके से आप लगवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शनल दरवाज़ा दिया गया है ईस्ट साइड के निकलने के लिए, ठीक है। ये नॉर्थ फेसिंग का प्लॉट है तो यहाँ पे आपका ईस्ट की तरफ आप यहाँ से निकल सकते हैं, अगर आपका दरवाज़ा दिया गया है, यहाँ पे सीढ़ी वगैरह आपको डिज़ाइन करना होगा दोस्तों, ठीक है। आप चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, आपका स्टेप इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, ये आपका इस तरीके से इसका स्टेप हो जाएगा, डॉग लेग स्टेप है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ ये फर्स्ट फ्लोर पर ये इस तरीके से जा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये आप आ गए फर्स्ट फ्लोर पर। और ये आपका ममटी रूम का डिज़ाइन इस तरीके से, आपका ममटी रूम का स्लोपी रूम हमने डिज़ाइन किया है, ममटी रूम का डिज़ाइन आपको कुछ इस पैटर्न पे मिल जाएगा दोस्तों। ये लुक आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें, और डाउनलोड लिंक इसका PDF देख सकते हैं जाके। तो इस तरीके से इसका प्लान है, आप चलते हैं इसका सेक्शन प्लान आपसे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो जैसा इस सेक्शन प्लान को आपको हम डिस्कस करेंगे, और हाँ, इस प्लान का PDF आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड करके इसका सेक्शन प्लान वगैरह भी देख सकते हैं, इसका साइजेज वगैरह देख सकते हैं। तो जैसे ही सेक्शन प्लान है आप देख सकते हैं, फ्रंट में आपका बरामदा, ये मेन गेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका लिविंग एरिया हो जाएगा इस तरीके से सेंटर पार्ट में, ये आपका बेडरूम नंबर 1 हो जाएगा इस साइड में, आपका ये बेडरूम नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये बेडरूम नंबर 2 इस साइड में, दूसरा बेडरूम नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इस बेडरूम से हमने अटैच करके टॉयलेट बाथरूम दिया है, आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आप एंट्री करते हैं डाइनिंग एंड हॉल एरिया में, यहाँ आपका पूजा रूम हो जाएगा, ठीक है। इस साइड में आपका ये पूजा रूम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके जस्ट बैक साइड में आपका एक किचन हो जाएगा, और ये आपका पैसेज दिए गए हैं बैक साइड में निकलने के लिए, और ईस्ट की तरफ निकलने के लिए रास्ता दिया गया है, दरवाज़ा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और इस साइड में सीढ़ी के बगल में आपका टॉयलेट बाथरूम दोनों अलग अलग 2 यूनिट में बनाया गया है, टॉयलेट का अलग यूनिट है, बाथरूम का अलग यूनिट है, ठीक है। दोनों साइड में 2 आपका टॉयलेट बाथरूम दोनों अलग अलग करके बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये आपका सीढ़ी के एरिया हो जाएगा इस तरीके से, और ये लास्ट में आपका 3 बेडरूम हो जाएंगे, ये एक तीसरा बेडरूम, चौथा बेडरूम, और लास्ट में एक आपका 5वां बेडरूम, इस साइड में आपका ये 5वां बेडरूम हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसका सेक्शन प्लान आपका पूरा मिलेगा दोस्तों, ये ऐसा लुक आएगा। तो ये था हमारा प्लान दोस्तों, आई होप वीडियो को बहुत यूजफुल लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल के डिजाइन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ, अगर आपको कोई मकान बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, स्क्रीन पर मिल जाएगा। और हाँ, इस प्लान का PDF आप जाइए फटाफट डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद।